हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एकदम मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए चावल, जो हमारे घर में बचा हुआ रहता है वो चावल हम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है आलू, आधा आलू उबला हुआ, ठीक है। आलू को मैं इस तरीके से उबाल लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे मिर्ची, प्याज, धनिया पत्ती और करी पत्ती। इसको कट करके डाल देंगे, बारीक कट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और जो भी आपके पास मसाला है, चाट मसाला या जो भी मसाला है, आप इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें। उसके बाद हम इसका लोई बना लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से उसका शेप दे देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसे बनाकर रख लिया है। अब हम एक पैन में तेल गर्म करेंगे और इसे डाल देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से पकने देना है। इसे पलट लेना है जैसा भी आप चाहें, बस इसे अच्छी तरीके से क्रंची पकाना है बस। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से पका लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसमें लेंगे दही, दही को इसके ऊपर डाल देंगे। सिंपल दही है, इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर लिया है और इसे फीका कर लिया है। अब हम थोड़ा सा दही और लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मिर्ची पाउडर, जो भी आपके पास मसाला है वो आप डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक डाल देना इसमें। ये हो गया। अब इसे भी हम उसके ऊपर छिड़क देंगे, जो हमने वड़े बनाए हैं हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसे पूरा डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी तरीके से ये दिख रहा है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा मिर्ची पाउडर गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा ये मैंने कोई सा सेव ले लेना है। उसके बाद इसके ऊपर छिड़क देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से यह बनकर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ये देखिए कितना मॉइस्ट है, ये बनकर रेडी हो गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।